जौनपुर जिले में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे गोमती नदी का जल स्तर बढ़ गया है। आसपास के तटीय इलाकों में पानी घुस गया है और सभी घाट डूब गए हैं। जौनपुर भारी बारिश के चलते शाहिद गाह की दीवार गिर गई, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने देर रात रेस्क्यू कर घायलों को निकाला। पुलिस ने सभी को देर रात इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मिर्जापुर में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिन से ही हो रही तेज बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। बारिश की वजह से मकान गिरने से मलबे में दबकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बारिश की वजह से सड़क नदी बन गई है। क्या गाँव क्या शहर, हर जगह बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। राजधानी दिल्ली से भोपाल जा रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया है। ट्रेन को उत्तर प्रदेश के मथुरा में रोक दिया गया। करीब 20 मिनट से ट्रेन मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। VDS, RPF और GRP की टीम मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया। हालांकि छानबीन में ट्रेन के अंदर से कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। पृथ्वी विसर्जन अमावस्या के मौके पर ब्रजघाट और तिगरी में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पितरों को तर्पण किया। गंगा पुल के दोनों ओर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर भारी जाम लग गया। जाम न लगने के पुलिस के धावों की पोल खुल गई। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें इनामी गैंगस्टर भूरा और नईम को गोली लगी। वहीं 3 बदमाश इस मुठभेड़ से बाहर निकलने में कामयाब हुए। बता दें कि भूरा और नईम पर 25,000 का इनाम है। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बदमाशों से तमंचे, कारतूस के खाली खोके और बाइक बरामद किए गए।